ने और हमारी सेना के लोगों ने, हमारे फोर्स के लोगों ने काम किया है और लोगों को पहले टनल से जिंदा बचा करके बाहर लाए हैं। ये जो दूसरी टनल है जिसमें अभी जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी है और टी पॉइंट पर 180 मीटर दूसरी तरफ है, लगभग 80 मीटर तक पहुंच गए हैं हमारे लोग। कमांडो भी आ गए हैं, एनडीआरएफ वाले भी आ गए हैं, अभी आईटीबीपी के जो यहाँ पर आईजी हैं, एडीजी हैं, वो भी जुटे हुए हैं और सेना के भी जुटे हैं और एनडीआरएफ के भी इंचार्ज दोनों समन्वय करके काम कर रहे हैं। सर, चिंता का विषय यह है कि जो लोग लापता हैं उनका आंकड़ा बढ़कर 191 तक जा पहुंचा है, करीब 200 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देखिए, अभी जो यहाँ पर इनके मैनेजर ने और इनके इंचार्ज प्रोजेक्ट ने मुझे बताया कि कुल 121 लोग इस प्रोजेक्ट पर थे उस समय, जिसमें 3 की डेड बॉडी मिल चुकी है और लगभग 34 अंदर हैं, जिसमें 2 इंजीनियर हैं, 1 एजीएम भी है और 2 इंजीनियर इनके सामने सामने बहे हैं। तो लगभग 84 लोग ऐसे हैं जो सामने मिसिंग हैं, जिनको ये बताते हैं कि जिनको वो पूरे मलबा के साथ जो है बहे निकले हैं। तो ये अभी हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो लोगों की जिंदगियों को बचाने का है, इसीलिए पूरी फोर्स जुटी हुई है, पूरा प्रशासन जुटा हुआ है कि कैसे करके अभी हम लोग लगभग 80 मीटर तक अंदर पहुंच गए हैं, लेकिन क्योंकि लगातार वो मलबा नीचे आ रहा है, ब्लॉक हो रहा है, उसको फिर निकालना, फिर ऊपर खींचना, फिर बाहर फेंकना, तो मुझे लगता है कि अभी दिन तक शाम तक हम लोग इस काम में सफलता प्राप्त करेंगे और जो 34 लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, 2013 केदारनाथ की आपदा, वो हर उत्तराखंडी वासी और पूरे भारत वासियों के दिल में एक बुरी याद जैसी है, और जब चमोली की खबर आई तो ऐसा लगा कि कहीं वैसा ही कुछ तो नहीं होने जा रहा। आप तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं स्टेट के, आप स्टेट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, खासतौर पर हिमालयी क्षेत्र में विकास और प्रकृति के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए उसके मद्देनजर क्या हमने पिछली घटना से सबक लेते हुए इस बार की समस्या को सही तरीके से डील किया, आपका इस पर क्या एनालिसिस है? देखिए, ये तो बात के विषय है, लेकिन प्रकृति के साथ समन्वय तो जरूरी है। प्रकृति और संस्कृति दोनों का जब समन्वय का अभाव होता है तो फिर विकृति आती है। तो ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन वर्तमान में तो 2013 की घटना भी ऐसी आपदा की घटना थी, जो प्राकृतिक आपदा थी। आपने अभी भी देखा पूरा ग्लेशियर हमारे उस पर आ गया और ग्लेशियर उस पर आने के बाद उसको ऋषि वाले जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको बाहर ले गया, फिर इस पर आया। ये 520 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट था और ये चुनौती हमारे सामने है कि अभी कैसे करके उनकी जिंदगियों को बचाया जाए और जो क्षेत्र में कट गए हैं जो गांव हमारे और जो आगे है उसको। सर, मैंने यहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों से बात की, वो बेहद तकलीफ में है क्योंकि उनके लोग जो अंदर फंसे हुए हैं और इसे लेकर वो लगातार प्रशासन से भी शिकायत कर रहे हैं कि जिस तरह से, जिस मुस्तैदी से काम होना चाहिए था या जल्दी से जल्दी उन लोगों को बाहर निकाला जाए, वो अब तक नहीं हुआ है। कोई संदेश आप स्थानीय लोगों को? मुझे लगता है, देखिए, स्थानीय लोगों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति वो भी देख रहे हैं और जुटे हुए हैं, रात को जुटे हुए हैं, कल दिन भर जिस तरीके से हमारे आईटीबीपी और हमारे सेना के लोगों ने काम किया, एनडीआरएफ और जो स्थानीय फोर्स उन्होंने काम किया, तो काम में कोई कमी नहीं है और अब तो पूरी मशीनरी भी आ गई। जो 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 संभव हो सकता था, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और गृह मंत्री जी लगातार इस पर समीक्षा कर रहे हैं, और आपने देखा कि हमारे पूरा आईटीबीपी से लेकर के सेना से लेकर एनडीआरएफ से लेकर के कमांडो तक जो स्पेशलिस्ट हैं वो सब जुटे हुए हैं, अभी टनल में घुसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि काम में कोई गतिहीनता नहीं है, गतिशीलता के साथ जिस सीमा तक कर सकते हैं। हमारे जवान प्राणों को हथेली पर रख करके किस तरीके से अंदर घुस रहे हैं आपने देखा होगा, तो आप तो यहाँ अच्छे यहीं पर मौजूद हैं। तो प्रयासों में कोई कमी नहीं है, युद्ध स्तर पर राहत कामों को और उनको निकालने, उन जिंदगियों को बचाने का अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमसे बात करने के लिए।